¿Cuál? अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिका जुलाई, अमेरिका जो है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 4 जुलाई 1776 में। कंटेन द ट्रूली रेवोल्यूशनरी आइडियाज असर्टेड दैट ऑल द मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे आर एंजॉयड बाय द इनएलिएबल राइट टू लाइफ एंड द लिबर्टी एंड द एसेंस ऑफ द हैप्पीनेस एंड द मींस दैट द एवरी इंडिविजुअल एंजॉय द राइट टू द फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑपरेसिव रूल द स्टडी ऑफ द अमेरिकन इनकरेज टू द इंडियन एंड देयर स्ट्रगल टू गेट देयर इक्वलिटी एंड द लिबर्टी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, द न्यू टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन विच ब्रॉट अबाउट द ड्रास्टिक चेंजेस इन द इकोनॉमी इज रेफर्ड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। जो इंग्लैंड था वही ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसमें जो रेवोल्यूशन था वो हुआ था। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगेन इन द इंग्लैंड इन द मिड 18th century में हुआ था एंड स्प्रेड टू द पार्ट ऑफ द यूरोप, और ये पूरे यूरोप के पार्ट्स में फैल गया था। इट वॉज मार्क बाय द न्यू इन्वेंशन, और जो न्यू इन्वेंशन था वो मार्क किया गया था सच एज द स्टीम इंजन एंड पावर लूम एंड द कॉटन अगेन थॉट द वे अगेन द डिस्कवरी European got to know about the vast areas and all over the world and which could provide the cheap raw material labor and also we saw as a market for the fish production and the ratio capturing this new and unequal areas and saw the establishment of the various colonies and European power in different parts of the world including the India. ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 18th century में स्टार्ट हुआ और स्प्रेड हुआ था यूरोप में, और इसे मार्क किया गया था स्टीम इंजन इसी में हुआ था। और ये जो कंपनी थी इसमें जो प्रोवाइडेड कराती थी कुछ मटेरियल प्रोवाइडेड कराती थी, मार्क फिनिश टू द प्रोडक्शन एंड द such as the establishment of various colonies in the Europe in different part of the world, और ये वर्ल्ड के different part में फैल गए थे। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ द सी रूट इन इंडिया, हमारी इंडिया में जो सी रूट है उसको उसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ द सी रूट इन इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द डायरेक्ट सी रूट वेस्टर्न कॉस्ट ऑफ यूरोप टू द इंडिया, यूरोप से इंडिया की ओर हुई, इट वॉज द रिमार्केबल इवेंट, ये बहुत यादगार घटना थी एंड हैड टू रीच इफेक्ट टू द जिसके ऊपर हमारे इंडिया को पूरा प्रभाव पड़ा एज वेल एज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, केवल उसी के ऊपर नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा स्पेशली यूरोप के ऊपर। एंड बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के कारण बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज हो गई एंड द बुलक टू द इंडियन ट्रेड इन द यूरोप एंड नो डाउट इंडिया ऑलवेज हैज द कॉन्ट्रैक्ट विद द यूरोप, मतलब इसी के कारण जो यूरोप के साथ में इंडिया जो है कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही थी। डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सी रूट बाय द वास्को डी गामा, और इसकी जो डिस्कवरी है वो वास्को डी गामा के द्वारा की गई है। ओपन अ न्यू चैप्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडिया की न्यू इकोनॉमी का जो चैप्टर था वो ओपन हुआ है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन देखी है, इट इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन, ये अमेरिका के रिवोल्यूशन सक्सेसफुल होने के बाद में शुरू हुआ है। द फ्रेंच टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट द मोनार्च फ्रेंच इस वॉर्ड द अपराइजिंग ऑफ द फ्रेंच, ये फ्रेंच में अपराइज हुआ एंड द पीपल अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल द लुइस, वहाँ पर जो लुइस था लुइस 16 का राज चल रहा था एट द एंड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फ्रांस एंड एस्टेब्लिशमेंट द नेशनल असेंबली एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन सिटीजन द गारंट
Yeah, it varies, right, to the people of the France, and the people of India were the inspired by the French Revolution and the began with the inspired by the freedom for foreign rule. Uske baad mein jab wo jeete jab tak unko jeet hasil hui. Uske baad hum national anthem padhenge. The American and the French Revolution established the democratic government. The America and French Revolution government को set up किया है ना तो following the example. The movement of the democratic began with the countries of the Europe such as the Portugal, Italy or Ireland. And this is the new way of the nationalism. ये नई लहर लेकर के आई थी which had spread all over the world. ये सारे world में फैल गई थी. Indian the organized movement in India में freedom के लिए जो movement थे वो organized किए गए अपनी आज़ादी चाहते थे. वी हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ द आउटलुक टू द इंडिया.